उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के तर्ज पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान रोजगार को लेकर बड़ा आयोजन कर रहे हैं। इसमें बीते 4 साल के संघर्ष के बाद 15,000 से ज्यादा चयनित शिक्षक रविवार सुबह 10:30 बजे भैल दशहरा मैदान में जमा होंगे। इस अवसर को विशेष बनाने के लिए स्कूल शिक्षा विभाग ने करोड़ों रुपए खर्च किए हैं। पहली बार खुले मैदान में बने डोम के अंदर इन्हें 1 दिन की ट्रेनिंग दी जाएगी। करीब 1.5 घंटे के प्रशिक्षण के बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान करीब 30 मिनट का भाषण भी देंगे। कार्यक्रम से बताने का प्रयास किया जाएगा कि प्रदेश सरकार ने किस तरह से 1.5 साल में ही 18,000 से ज्यादा शिक्षकों को नौकरी दिलाई है। इसके अलावा आरक्षक और वर्ग 3 की भर्ती के लिए परीक्षा की जा चुकी है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान रविवार दोपहर 12:30 बजे दशहरा मैदान BHEL पर नवनियुक्त शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया। जनजातीय कार्य मंत्री मीना सिंह मांडवे और स्कूल शिक्षा एवं सामान्य प्रशासन राज्य मंत्री इंदर सिंह परमार उपस्थित रहेंगे। शिवराज विभागीय प्रशिक्षण नीति एवं विभागीय परिसंपत्तियों के संधारण मार्गदर्शिका का विमोचन भी करेंगे। करीब 15,000 शिक्षक शिवराज से प्रदेश में स्कूल शिक्षा की दिशा और भविष्य की आकांक्षाओं से अवगत होंगे। चयनित शिक्षक जुलाई 2021 तक 15 से ज्यादा बार प्रदर्शन कर चुके थे। परीक्षा में चयनित 3,000 से ज्यादा शिक्षक बैनर लेकर नियुक्ति की मांग करते हुए सितंबर में भाजपा मुख्यालय भी पहुंचे और धरना पर बैठ गए थे।